हम करेंगे मॉर्निंग एक्सरसाइज। मैं लेट हो गया। उसका कारण तुम ही हो। नेक्स्ट। अरे आज मैंने बहुत एक्सरसाइज की, मैम मुझे दो स्टैम्प दीजिएगा। क्या तुम बस जोर जोर से सांस ले रहे थे, तुमने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। मैम ने मेरे बदले की भी एक्सरसाइज कर ली तो फिर मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज एक्सरसाइज का पहला दिन था, मैं बहुत थक गया हूँ दोस्तों। अगर हम बहुत सारे स्टैम्प्स कलेक्ट कर लें तो हमें मिलेगा एक्शन बॉल पेन। मुझे वो बॉल पेन चाहिए। तुम तो पहले दिन ही लेट हो गए शिनचैन, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे, समझ गए? मुझे ये करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कज़ामा, मदद करोगी ना? इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? मैं तुम्हारे सामने मदद के लिए खड़ा हूँ कज़ामा। तुम्हें कैसी मदद चाहिए? सुबह सुबह मेरी नींद नहीं खुलती तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं ताकि मैं लेट ना हूँ। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ही नहीं सबको लगता है कि तुम्हारी वजह से हम स्कूल वक्त पर पहुँच सकते हैं। सही कहा। मैं आ गई कज़ामा, तुम्हारा शुक्रिया। देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह बच्चों, तुम सब एक साथ यहाँ, क्या बात है। आंटी हम सब यहीं पर रहेंगी। नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। आपका शुक्रिया। नहीं नहीं बच्चों, अब तो मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। कज़ामा, तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था। मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, प्लीज सब अंदर आ जाओ। अरे मॉम। कज़ामा, तुम अपने दोस्तों को जरा जूस पिलाओ, तब तक मैं शॉपिंग कर कर आती हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा और लो ना बेटा। सलाद कैसा लगा? मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। अभी रुको। सब लोग सो गए क्या? मैं नहीं। नहीं अभी नहीं। मैं भी नहीं। कज़ामा, कज़ामा तुम सो गई? कज़ू कज़ू। कज़ामा उठो, मुझे कुछ कहना है। क्या बात है? गुड नाइट। सोने ही जा रहे हो तो मुझे क्यों उठाया? हाँ, क्या तुमने ये कहानी सुनी है? एक लड़का हर रोज की तरह रेडियो एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा था। उसे थोड़ी देर हो गई, इसलिए उसे एक्सरसाइज करने के लिए इंतजार करना पड़ा। उसे बहुत अजीब लग रहा था, उससे कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, तो उसे लगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। ठीक है, अपने हाथ वैसे रखो और अब पीछे मुड़ के देखो। वो नैनी ने डरावनी कहानी सुनाई थी तो। तुम कह रहे हो कि ये मेरी गलती है? क्या तुम छोटे बच्चे हो? बंद करो ये सब। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि हमें जल्दी सोना चाहिए? सब लोग सो जाओ। जानते हो कल और कल के बाद से हमें रोज सुबह जल्दी उठना है ताकि हमें एक्शन कामिन बॉल पेन मिल सके।
अरे मसाओ क्या बात है? मसाओ को नींद नहीं आ रही है। देखो कजामा तो बड़े आराम से सो रहा है। कजामा उठो, कजामा उठो, कजामा। मुझे उसे उठाना आता है, देखो और सीखो। हेलो, मुझे क्यों उठा रहे हो? जाकर सोते क्यों नहीं? जाओ जाकर सो जाओ। देखो क्या है। मैं यहाँ ऐसे नहीं सो सकता। सुनो, बाहर रोशनी हो रही है। हाँ? अब हमें उठ जाना चाहिए दोस्तों। जानते हो जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे वाह मसाओ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। ऐसी बात है, और तुम्हें क्या लगता है? हाँ, सही है। चलो अब उठ जाते हैं। हम बाहर भी नहीं जा सकते। पर बाहर जाने तक हम क्या कर सकते हैं? चलो योगा करते हैं। योगा ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो क्यों ना हम एक दूसरे को डराएं। मसाओ तुम्हें डराना तो बहुत ही आसान है। बस करो शिनचैन। चलो दोस्तों अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सच बताऊं तो मुझे एक्सरसाइज में बहुत मजा आता है। हाँ, अब मैं दो दिन लगातार एक्सरसाइज करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता। कजामा, अरे कजामा बेटा उठ जाओ, रेडियो एक्सरसाइज का वक्त हो गया। शिनचैन, मसाओ, नैनी, वो सब उठ जाओ, एक्सरसाइज के लिए देर हो जाएगी। ओह, कोई नहीं उठ रहा।